आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास क्लियरली, क्या बोल रहे हैं? सुनो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के आपने क्वेश्चन कराए थे तुम्हें। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर लेकर आए। अच्छा, यस चलिए आज अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हम बातें करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की कुछ प्रॉब्लम्स को, कोई प्रॉब्लम कराई है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी क्या? एनी प्रॉब्लम्स हैव यू सीन, एनी एग्जांपल्स हैव यू सॉल्वड फ्रॉम दिस टॉपिक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? एग्जाम्पल रहेंगे कुछ एक तो। बोलते नहीं हो यार आप, है ना? आगे बढ़ रहे अभिमान, चलिए ऑडिबल टू एनीवन? यस। तो थोड़ा सा जवाब दीजिए कि क्या मैंने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे हमने अपन ने मैकेनिकल एनर्जी के? चलिए यस आप लोगों ने सबने नीचे एग्जाम दिया, कितने लोगों ने नीचे एग्जाम दिया? जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं कितने लोगों ने नीचे रिटर्न एग्जाम दिया। नीचे एग्जाम देने वाला कोई भी नहीं था पूरे बैच में से, किसने भी नीचे एग्जाम नहीं दिया? जी, एक बच्चे ने दिया आउट ऑफ 12 स्टूडेंट जो ऑनलाइन है, केवल एक बच्चे ने दिया। पास में तेरा फिजिक्स का स्कोर क्या है और टोटल स्कोर क्या है, कुछ कैलकुलेट किया? कैलकुलेट नहीं नहीं किया। चलिए फिजिक्स का पेपर कैसा था? सर, हर बार के कंपैरिजन में इतना इजी क्यों आया? बोलना बार के कंपैरिजन में इतना इजी क्यों आया? ऐसे होता है बेटा, अगर तैयारी नहीं होती तो इजी आता है, तैयारी होती है तब टफ आ जाता है, तो नॉर्मल सी बात है। तब भी मतलब एक स्टैंडर्ड होता है सर, इसका इतना इजी आ गया मतलब उसके कंपैरिजन में। तो आपने मेरे हिसाब से देखा होगा क्वेश्चन, है ना? जो चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं उसमें से जो क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्टली आपको या तो नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गए होंगे या फिर हमने किसी ने जीपीएस से सॉल्व किया होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, पुली का क्वेश्चन आया था जो कि इतना सिंपल, m1 - m2 / m1 + m2, ये यार हमने पे आया था। अगर आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया ना तो मेरे साथ एक क्वेश्चन आपसे बन गया हुआ सिंपल, आपके एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी आपको। दूसरा क्वेश्चन मोशन एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आया था कि बॉडी को नीचे की तरफ थ्रो किया गया u = 20 m/s पे, और जब बॉडी शिफ्ट कर रही है तब उसकी स्पीड दे रहे थे कि 80 m/s, आपको ये हाइट निकालनी थी, एक क्वेश्चन आया था ना? दो क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन आया था एक्सप्रेस का डायमेंशन पूछा था, एक्सप्रेस का डायमेंशन पूछा हुआ था, यस नो? यस है ना? तो जिसको पता था एक्सप्रेस इज सेम एज प्रेशर, क्योंकि एक्सप्रेस हम पढ़ते हैं आगे जाके, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम पढ़ते हैं, जिसको अगर थोड़ा सा भी आइडिया हुआ एक्सप्रेस इज पूछा हुआ नहीं दिया तो उसके डायमेंशन का बड़े आराम से बताया पाए हुए। एक डायमेंशन एक क्वेश्चन आया था सिग्निफिकेंट फिगर से, सिग्निफिकेंट फिगर से साइड से पूछा गया था m into v, लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट पूछा गया था और उसमें चारों ऑप्शन सेम रखे हुए थे, तो आपको आंसर देना था सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के बेसिस पर, यस और नो? राइट। और वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन क्या था, वेक्टर से भी आएगा क्या हुआ?
वेक्टर से भी आया था एक। वेक्टर से कौन सा आया था याद दिलाओ? सर वो आई थी जे इनटू आई वाला, वो तो टॉर्च आया था ना, अल्ट्रा सेट वाला। रोटेशन अभी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन भी कितना इजी था, और वो क्रॉस प्रोडक्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए, और उसके अलावा आई थिंक स्टार्टिंग के चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, उसमें ये था फर्स्ट पावर एनर्जी का क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा है फर्स्ट पावर एनर्जी से कौन सा क्वेश्चन आया था जिसको याद नहीं आया, बस से कौन सा क्वेश्चन आया था जिसको याद है, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। फिर मैं आपके क्वेश्चन बहुत इजी आए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, अगर आपने 12th बोर्ड की भी तैयारी अच्छे से की होगी तो 12th का पोर्शन ज़्यादा आया था और बहुत इजी आया था। 11th के पोर्शन से इस बार रिलेटिवली काफ़ी क्वेश्चन कम आए थे, जैसे कि मोशन वाले चैप्टर से केवल यही एक क्वेश्चन आया था, जबकि मोशन से जनरली दो क्वेश्चन आते हैं, क्लेम से आता है स्ट्रेट लाइन से। न्यूटन लॉ का पोर्शन से भी शायद एक ही क्वेश्चन आया था, पहले चैप्टर से जरूर तीन क्वेश्चन आ गए थे आपके, यूनिवर्सल एमिशन से 3 क्वेश्चन आए थे, एक और आया था आपका कैलिपर वर्नियर कैलिपर थ्रू गेज का, जो कि हम लास्ट में पढ़ते हैं, हम अभी भी पढ़ते हैं थोड़ा सा विजुलाइजेशन चाहिए होता है, तो कभी कभी हम स्टार्टिंग पढ़ा देते हैं, कभी कभी लास्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन आए थे पहले वाले चैप्टर से, और टॉस से भी केवल एक या दो क्वेश्चन आया था, मेरे रोटेशन वाले चैप्टर से एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का आया था और एक रोटेशन का, दो क्वेश्चन आए थे, ये तीन आया था उससे। तो 11th वाले पोर्शन से रिलेटेडली क्वेश्चन कम आए थे, 12th से बहुत इजी, अगर 12th के आपको याद हो तो डायरेक्ट स्टेट फॉर बोर्ड के स्पेशल एनसीईआरटी की लैंग्वेज पर क्वेश्चन आए थे, करंट लैंग्वेज से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के। एक ग्राफ आया था कॉपर का रेजिस्टिविटी का वेरिएशन का, जो कि आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसी एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस की वैल्यू लिखी हुई है, तो वहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत पेपर बहुत ईजी था, बाकी लोगों ने मुझे उसका एग्जाम नहीं दिया, बाकी लोग इज नॉट टेलिंग दैट दे हैव गिवन एग्जाम और नॉट, कहने का मतलब है कि भाई आप बेसिक पढ़ लीजिए, कंसेप्ट पढ़ लीजिए भाई, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको अगर समझ में आ गया ना, और बस आपने DPP सॉल्व कर लिया और टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया, कुछ मत लगाओ। अगर इस साल का पेपर ईजी आया तो इस साल का पेपर बहुत ईजी आने वाला है, इस साल को तो सर आप बोलोगे मार्च के बाद कोरोना हुआ है, उन्होंने पेपर ईजी रखा, अगले साल की मान लीजिए पूरे साल कोरोना है तो अगले साल का पेपर तो और इजी रखने वाला है, यानी ऐसा ही रखेंगे जैसा आया था। तो भाई आप गोल्डन चांस था लोगों को क्लियर करने का, और क्या बोल रहे हैं तो सही में, तो सही में बोल रहे हैं आपकी आवाज क्लियर, सब बोल रही है कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नेक्स्ट डे पेपर बहुत इजी आएगा। हाँ मतलब एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं, मैं ऑक्टोबर वाला तो नहीं लगी प्रेडिक्ट करूँ, लेकिन हाँ हम अपनी एक्सपेक्टेशन ही सेट करते हैं, नेक्स्ट ईयर का पेपर भी इजी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपका ये साल पूरा का पूरा आप मान के चलिए कि कोरोना में गया, तो वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर पेपर वेरी इजी, ठीक है। तो इजी पेपर अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इजी कर रहे हैं, तो ये वाली इसलिए कह रहे हैं भाई सिर्फ थ्योरी कंसेप्चुअल NCERT है ना, और कुछ नहीं करना आपको, थ्योरी में आप पढ़ना होता है एक बार DPP जैसे आप पढ़ लेते हैं यहाँ के नोट्स पढ़ लेते हैं, फिर नोट्स बना लीजिए और एक बार NCERT में नजर मार डाल एक बार रीडिंग कर लीजिए, मतलब उसकी प्रॉपर, अगर वहाँ कोई छोटा मोटा थ्योरिकल पॉइंट आपको मिल जाएगा तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, दैट इज। और DPP जो DPP आपको मिल रही है वो, और जो टेस्ट पेपर आपको देने वाले हैं वो, बस 2-3 बार सॉल्व कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ पेपर कहीं बाहर जाने वाला नहीं भाई साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन आए डायरेक्ट, अब इससे डायरेक्ट क्या आएगा, अगर आपको एक्सपेक्टेशन का फॉर्म M2-7 आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने 2 या 3 दिन पहले सेम डेटा के साथ क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन था ना प्रीवियस का क्वेश्चन बचे किसी क्वेश्चन था सेम डेटा का क्वेश्चन में 2 या 3 दिन पहले किसी बैठ पर डिस्कस कराया था, 6 और 4 KG वाला डायरेक्ट दोनों के लिए, तो भाई सीधा सीधा आंसर भी याद अगर रह गया होगा तो कर दिया होगा। तो ऐसे 12th का एक क्वेश्चन था, वो भी प्रीवियस का क्वेश्चन था, वो भी हमने एक हफ्ते बाद पहले एक बैठ पर डिस्कस किया था, रेजोनेंस वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे LPR करके था
वो 2014 15 के राउंड एक बार आ चुका है, तो हम पीवी से क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हमने डिस्कस कराया था, तो जिस बच्चे को क्वेश्चन याद रह गया हुआ तो उसने डायरेक्टली बिना पढ़े आंसर कर दिया था। तो भाई साहब नोट से क्वेश्चन आते हैं मान के चलिए, आज की डेट में जो पेपर आ रहे हैं वो नोट से डायरेक्ट आ रहे हैं, और इधर चले 80-90% का नोट से आएगा, तो भाई साहब 80-90% के आराम से वो सीरीज बन गया। अच्छा फिर बता रहा हूँ पेपर बहुत टफ रहा, सीरीज का ईजी भी रहा बट बहुत टफ रहा, बहुत टफ रहा है। फिर उसको ये इतने सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो उतना मैसेज थे कि यार ये क्या है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है। उनको क्या लग रहा था कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, एक तो थोड़े कंफ्यूज हो गए, ठीक है, और दूसरा दूसरा क्या, उन्होंने जो डेटा दिए थे, क्या दिए थे, जो डेटा दिए थे डेटा पॉइंट जो दिए थे वो डेटा पॉइंट क्या हुआ बेटा, आवाज ब्रेक हो रही है। यस सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके लेट मी रिजॉइन वंस। अभी आवाज कैसी आ रही है सर? एकदम ठीक है, क्लियर है। चलिए सर, तो बेसिकली क्या बात कर रहे थे, हाँ तो भाई मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया आपके लिए COVID-19, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे एग्जाम्स अगले साल 2 साल के एग्जाम्स बहुत ईजी आने वाले हैं, तो भैया इस साल अगर आपने पढ़ लिया डॉक्टर बन के निकलोगे, और अगर नहीं पढ़ पाए तो आई एम सॉरी, फिर बस रिग्रेट लेके निकलोगे, पूरी साल का रिग्रेट रहेगा कि यार काश कर लेते हैं भाई, काश बहुत बुरा होता है जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ता, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू टेक विद यू, यू वांट टू टेक रिग्रेट विद यू और यू वांट टू टेक डिग्री ऑफ प्राइड विद यू, राइट। आई एम टेलिंग यू अगेन दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी ईजी, अगर एक्सपेक्टेशन है तो हम एक्सपेक्टेशन पे बातें कर रहे हैं, ठीक है। बाई चांस अगर इजी नहीं भी आया तो बुराई क्या, हम तैयारी तो कर ही रहे हैं ना, ठीक है। तो भाई साहब नोट्स डीपीपी एंड मैक्सिमम साथ में साथ एनसीईआरटी, कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बार बार वही क्वेश्चन वही प्रैक्टिस कर लीजिए कि सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, मेरे गलत नहीं हो। मैंने बोला पेपर टफ क्यों बोलता हूँ, मैं बोलता कि सर इस बार का पेपर टफ क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इस बार के पेपर में जो डेटा पॉइंट दिए गए थे वो बहुत घुमा के दिए गए थे, जहां जहां डेटा दिया गया था वो बहुत घुमा घुमा के दिया गया था, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एसआई यूनिट का डेटा बहुत कम दिया गया था, कई जगह पे डेटा को सेंटीमीटर में या अदर यूनिट्स में दिया गया था, जहां पे बच्चे सिली मिस्टेक करके आए, 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे सिली मिस्टेक करके आए क्योंकि वो डेटा हमें गलती करके आए, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए सामने वाला इंटेलिजेंट है, उसने पेपर इजी बनाया, पेपर इजी बनाते बनाते उसने टफ कर दिया, क्योंकि डेटा बहुत, उसने डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ की बात करूं, आर क्रॉस एफ होता है और उसने आर दे रखा था साइड पे 3 j कैप और एफ दे रखा था ऐसे 2 k कैप, ये उल्टा दे रखा था, ये 2 j कैप था और ये k कैप था, ऐसा कुछ दे रखा था, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इस तरीके से दे रखा था, लोग पता गलती कहाँ करके आए, इसका आंसर उन्होंने कुछ लोगों ने 6 i कैप और कुछ लोगों ने -6 i कैप, गलती दो, गलती दो, जब आर क्रॉस एफ ले रहे हो तो यार कितना इजी क्रॉस प्रोडक्ट, उन्होंने क्या बोला कि सर आर क्रॉस एफ का मतलब क्या हो गया सर 3 k कैप क्रॉस 2 j कैप, 2 j6 होता है और k क्रॉस j क्या होता है -i होता है, तो दैट इज योर आंसर। तो पहले तो लोगों को लगा यार इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, पहला। दूसरा, उसने आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क का फॉर्मूला और पहले एफ दे रखा था बाद में आर, स्क्रीन ब्लर है, बोर्ड ब्लर है, स्क्रीन ब्लर नहीं है, आपके एंड पर दिक्कत आ रही है, प्लीज रिजॉइन कर लिए, बाकी लोगों को क्लियर आ रही होगी, क्लियर है सबको, बाकी लोगों को तो कहने का मतलब ये कि डेटा पॉइंट इतना ऐसा दे दिया, एक तो उन्होंने एफ पहले दे दिया और आर बाद में दे दिया, तो लोगों से गलती क्या हो गई, उन्होंने एफ क्रॉस आर रख दिया, तो आंसर उल्टा आ गया, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो,
एफ क्रॉस आर कर दिया तो आंसर उल्टा आ गया, आंसर प्लस सिक्स आई कैप और प्लस सिक्स आई कैप पहले दे रखा है ऑप्शन में, तो लोगों ने इसको टिक कर दिया, जबकि आंसर माइनस सिक्स आई कैप। पहली चीज उन्होंने ये ऐसे डेटा दी, ठीक है, एक जगह पे सेंटीमीटर दे दिया। आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे क्या ही बोलूं मैं, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, उनसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर ट्वेल्थ में पढ़ोगे, सर क्यू दे रखा था, आर दे रखा था, के दे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, टाइप फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आया था, बट उसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, आर की वैल्यू सेंटीमीटर रख दी और आप गलती कर गए क्योंकि आपने उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, आपका आंसर गलत, ठीक है। तो बस ये ऐसे करके उसने सिली मिस्टेक करवाई थी, इसलिए बोल रहा हूँ भाई सब सिली मिस्टेक करने का तरीका होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जल्दबाजी में सॉल्व मत कीजिए, आंसर लाने के लिए सॉल्व मत कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बारे में सोचिए क्या अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, डेटा क्या दे रखा है, हर क्वेश्चन को थोड़ा सा थॉट प्रोसेस उसके लिए थोड़ा टाइम दिया कीजिए। आंसर लाना मेरा धर्म नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना मेरा धर्म है, ठीक है। आंसर तो हर कोई ले आया यार, आंसर तो हिट एंड ट्रायल से आंसर ले आते हैं, पहली बार नहीं बार चलो इस मेथड से बना इससे ट्राई करते हैं, ये मेथड से बना इससे ट्राई करते हैं, सर आंसर आ गया, हाँ चलो ये बात सही, वहां पे आपको करेक्ट आंसर नहीं पता होगा, वहां पे आपको जो ऑप्शन पहले मेथड से आएगा वही आपका आंसर होगा, आपको नहीं पता ये गलत है या सही है ना, तो वहाँ हिट एंड ट्रायल नहीं चलता भाई। तो ध्यान रखें एक चीज का कि हमेशा सही आंसर लाने का कोशिश करने के चक्कर में ना रहे, हमेशा सीखें कि ये मेथड है, यही मेथड हमेशा लगाना है, समझ आ रहा है, इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करना है, मेरा आंसर आए या नहीं आए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब या तो मैं मेथड में गलती कर रहा हूँ या ऐसे ये मेथड यहाँ लगना ही नहीं है, तो वो रेक्टिफाई करें कि ये मेथड क्यों नहीं लगना है, और लगना है तो क्यों कहाँ गलती कर रहा है, हिट एंड ट्रायल करना छोड़ देना, बस बेसिक एकदम बेसिक आप कहता हूँ, एनसीईआरटी से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पे ही बेस रहेंगे, मैंने कहा मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी आपके पास होगी एक बार रीडिंग कर लीजिए, सिर्फ रीडिंग कर लिए एनसीईआरटी में और कुछ नहीं चाहिए, वहां पे थ्योरेटिकल कुछ डेटा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि मेरे नोट्स में शायद नहीं हो, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ आपके शायद मिस हो जाते हैं या यहाँ नहीं लिखता हूँ, ये ऐसे कुछ होते हैं जो सिर्फ बहुत ही थ्योरेटिकल होते हैं, तो आपको वहां से ही मिलेंगे, बुक से मिलते हैं जनरली, ठीक है, तो आप उनको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, बोला सर आपके डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं जो आप वहाँ पे ईकाइट पे देते हैं? नहीं मिल जाता है, मैं तो बोल ही रहा हूँ एक बुक रेफर करना होता है, मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप उस बुक को रेफर कीजिए या नोट्स को एनसीईआरटी, एक ही बात है, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी, ठीक है, ओके सर थैंक यू, सॉफ्ट कॉपी होती है तो सॉफ्ट कॉपी रेफर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब मेरे लिए होता है तो मैं मानता हूँ मैक्सिमम लोगों के लिए होता है ना, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होती है, तो मैं मानता हूँ कि सर सबके लिए होता है, तो अभी हार्ड कॉपी तो शायद आपको नहीं मिल रही होंगी, सभी को सॉफ्ट कॉपी मिल रही है ना, मतलब ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है, इसीलिए मैंने yes, बायो और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सच्ची कोई बुक नहीं है, पहले बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी अच्छी है बट बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी इजी नहीं है, उसमें ना बहुत कॉम्पैक्ट लैंग्वेज में सारी चीजें देती है, तो उसको एक्सप्लेन करने वाला एक बंदा चाहिए होता है, केमिस्ट्री और बायो इज वेरी वेरी गुड बुक्स, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ ले रहे हो ना तो एक चांस आपको कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है तो भी आप काम चल जाएगा, फिजिक्स में थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्पैक्ट है, हाँ लेकिन वो भी बुक उतने अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, आप बस नोट्स मेरे ले लीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, थ्योरेटिकल डेटा पॉइंट या कहीं कोई डेटा पॉइंट आपको वहां मिल जाएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिए, जो चीजें मैंने समझाई होंगी वो ज्यादा करेक्ट आपको और अच्छी लगेंगी, दोबारा समझ में आ रही होगी, प्लस जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं थ्योरेटिकल एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसमें बोला रेजिस्टिविटी किसकी नेगेटिव, उसमें लिखी हुई थी कि सर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी नेगेटिव होती है ना, मेटल की रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होती है, कॉपर का वहां पे ग्राफ बना होगा कॉपर का रेसिविटी का, क्योंकि आया हुआ था वहाँ कॉपर का बना हुआ है, नाइक्रोम का बना हुआ है और सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, तो कई ग्राफ हम सीधे सीधे यूज करते हैं अपने नोट्स में भी रखते हैं, कुछ ग्राफ वहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे होते हैं, तो इस बार कॉपर का पूछ लिया तो हो सकता है अगली साल नाइक्रोम का पूछ लें, हो सकता है अगली साल आपका सेमीकंडक्टर का पूछ लें, ठीक है, तो इसीलिए बुक्स रेफर करने को मैं बोलता हूँ कि एक बार उसकी रीडिंग जरूर कर लिया, चलिए जाए ठीक है। कार्बन क्या कहते हैं रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग का क्वेश्चन पूछ लिया था यार, मतलब मैं इस आपसे सबसे इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एसएचएम का सबसे टफ क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब, एसएचएम की एक्सप्रेशन की इक्वेशन होती है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, चैप्टर की स्टार्टिंग यही है और क्वेश्चन यही पूछा गया कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस कितना है, सर दोनों के बीच में एंगल कितना है, माइनस आ रहा है तो मतलब 180 डिग्री है, ठीक है, दोनों कैसे हैं ऑपोजिट आ रहे हैं, माइनस साइन आ रहा है मतलब 180 करेगी, इससे सिंपल क्वेश्चन एसएचएम में नहीं आ सकता, एसएचएम का क्वेश्चन इससे पूछ लिया, तो भाई साहब
इसलिए बोलता हूँ चैप्टर बहुत इजी हो, सर एग्जाम बहुत इजी था, और मैं उम्मीद अभी भी करता हूँ, अगले साल भी उम्मीद करता हूँ चैप्टर इसी या और आप एग्जाम इसी लेवल का आए। तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बार डॉक्टर बनने का चांस है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, पढ़ाई चालू कर लीजिए, सब कुछ आपके हाथ में, डॉक्टर बन के निकलोगे 110%। दिस कोविड 19 कैन गिव यू अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई एम टेलिंग यू अगेन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपने शायद जिन्होंने नीट एग्जाम दिया होगा वो इस चीज को एक्सपीरियंस करके आए होंगे यार, इस साल जिन्हों जिनको ये 4-5 महीने एक्स्ट्रा मिल गए थे तैयारी के, अगर ढंग से तैयारी कर ली होगी ना, ये नीट एग्जाम बड़े प्यार से निकल जाता, बहुत प्यार से, ठीक है। फिर भी जिसने नीट एग्जाम दिया, फिजिक्स के क्वेश्चन बने थे या नहीं बने थे, बस मुझे थोड़ा बताओ, हमने जो चैप्टर पढ़ लिया उसके क्वेश्चन बन गए थे, 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, सही सही हो गए वो क्वेश्चंस? हाँ सर, मैंने मैच किया था वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई साहब ऐसे ही आप पूरा पढ़ लोगे तो वही क्वेश्चन आने, मतलब कुछ नहीं बाहर जा रहा है यार, क्यों परेशान होना। इनफैक्ट मैंने जो पढ़ाया, मैं अपने सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, आप केमिस्ट्री और बायो के भी आई गेस मोस्टली क्वेश्चन आपके नोट्स में मिल गए होंगे, ठीक है, आज के क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलो आज आपकी सेकंड क्लास किसकी है, कौन सा सब्जेक्ट की है? चलिए, मैंने कहा सर हम बात कर लेते हैं बल्क पावर एनर्जी की, बात कर लेते हैं इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन से, किससे बनते हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, थोड़ा अच्छे से समझ लें, कंसेप्चुअल पोर्शन बहुत है, ठीक है, मैं आपको एक तरीके से डेरिवेशन टाइप का करता जाऊंगा पूरा पूरा, लेकिन उसी में आप काफी कुछ चीजें समझ जाएंगे, इसमें जितनी बातें मैं करूंगा क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से डायरेक्टली पूरा, अगर आपको समझ में आएगा तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूरा बोर्ड अगर आपको समझ में आ गया जो बातें हम करेंगे, तो आप ये मान के चलिए आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, प्रीवियस क्वेश्चन जो भी पूछे गए वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी कंसेप्चुअल बनते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, मैं सारे कंसेप्ट को कवर करूंगा एक बार में, ठीक है, तो जरा थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, बहुत प्यार से, जिस स्टेप में नहीं समझ में आया उसी स्टेप में वही पूछ देना, पेंडिंग में डालना, एक बार पूरा बोर्ड आगे तक बढ़ गया ना फिर समझना दिक्कत हो जाएगी, बहुत आराम से धीमे धीमे प्यार से हम चलेंगे, हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन समझ में आता है सबको, अब बॉडी मूविंग है ना सर्कुलर, वर्टिकल का मतलब हो गया कि सर्कल आपका वर्टिकल हो गया, दिस इज वर्टिकल राइट, आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, थ्रेड से एक स्टोन को मान लेते हो और ऐसे घुमाते हो राइट, बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, मैंने बचपन में बहुत क्या है, ऐसे बकेट होता है, बकेट में पानी भरते और ऐसे घुमाते थे और पानी को नीचे नहीं गिरने देते थे राइट, ऐसा किया है कभी किसी ने? एनीवन हु हैज ट्राइड दिस, क्या बकेट को फिल कर लेते थे, बकेट को फिल किया, हाफ फिल कर लिया, छोटी बकेट में पानी लिया और उसको ऐसे वर्टिकली घुमाते थे और पानी उसको फ्लो नहीं करने देते थे नीचे, किया है किसी ने? एनीवन? Yes, so मैंने किया है। चलिए। हाँ। सच बोल रही हूँ, ठीक है? चलो कोई बात। तो उसका तो मैं बड़ा पता है, वो झूठ बोलेगी सच बोलेगी, है? मैंने कहा कि सर उसमें यही होता था कि हम कोशिश करते थे पानी बकेट ऊपर उल्टी रहती थी फिर भी पानी को नीचे गिरने नहीं देते थे और गिरता भी नहीं था। तो आज आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों होता था, ठीक है, काफी हद तक आपको समझ में आया क्यों होता था। देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि सर आपने बोला कि सर एक सर्कुलर पार्ट वर्टिकल घूमेगा, ये इसका सेंटर है, ये मान लो ये आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग से आपने एक स्टोन मारा था उसको आप घुमा रहे हो, स्प्रिंग की आप बोलते हो लेंथ लेना हो आर के बराबर, रेडियस होगा वही स्प्रिंग की लेंथ होगी, है ना? अब आप क्या बोलेंगे कि सर इसको घुमाना है, मैंने कहा सर लोअर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ, ये चार पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट वाले। मैंने कहा सर जब ये घूम रहा होगा, ये बॉडी ऐसे घूम रही होगी तो किसी रैंडम टाइम पे बोलते हैं बॉडी मान लो यहाँ है, ये वाली लाइन से मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है, और उसमें मान लो आपको लोअर मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी या स्पीड दे रखी है, दैट इज वी नॉट बोल देते हैं, लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी दे रखी है, वी नॉट आपको पता है, इस पॉइंट पे जब आप जाओगे ये पॉइंट का नाम दे दिया पी, कोई भी एक रैंडम पॉइंट है इसको पॉइंट दे दिया पी,
इस पॉइंट पे इसकी जो स्पीड मान ली वो टेंजेंशियल होगी वीपी, है ना। आप बोल रहे इस टाइम पे इसका एफबीडी बना लो, इसका जब आप एफबीडी बनाओगे तो देखो इसका फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ एमडी, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। यही दो फोर्स लग रहे होंगे, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, एग्री, टेंशन लग रहा होगा और एमजी लग रहा होगा। आप बोलोगे सर किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, क्या चाहिए होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टेंशन की वैल्यू टीपी हो गया और इनका एक रिजल्टेंट होगा जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रहा होगा जिसको आप बोलोगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे अगर मैं इसको एफबीडी के थोड़ा अलग बना देता हूँ, इस बॉडी के नीचे की तरफ लगाते हैं एमजी, टेंशन लगा था इधर की तरफ जिसको इस पॉइंट पर टेंशन लगा था हमने बोल दिया टेंशन एट पॉइंट पी को हमने बोल दिया डीपी, ठीक है। ये एंगल कितना बनाया थीटा, हमने कहा सर एक काम कीजिए नेट एक्सेलरेशन आपका एक डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में अपने सारे फोर्सेस को ब्रेक कर लीजिए। तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है तो अगर हम ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल भी थीटा आएगा, मतलब ये एंगल भी थीटा है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी साइन थीटा। जो एम जी साइन थीटा है वो टेंजेंशियल लग रहा होगा, टेंजेंशियल लग रहा होगा मतलब स्पीड के ऑपोजिट लग रहा होगा, तो वो स्पीड को स्लो डाउन कर रहा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बोलते हैं जैसे से एक बॉडी ऊपर जाती है इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि आप बोलोगे एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन उसको स्लो डाउन कर रहा होगा। खैर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन में, मुझे किसमें इंटरेस्ट है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन में। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आप बोलोगे ये, तो बेसिकली इन दोनों का रिजल्ट है आप क्या बोलोगे टीपी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए सी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। आप बोल सकते हो कि सर दैट इज इक्वल टू एसी के वैल्यू रख दो एम बी टी स्क्वायर बाय आर, इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस एम बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अरे स्टेप का प्रॉब्लम वही खत्म कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? मैं कहता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैंने कहा सर जरा ए पॉइंट की बात कर लो, ए पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा होगा कितना लग रहा होगा ऊपर, मुझे इसकी है ना मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे यहाँ से टेंशन आ गया, वो आ गया एम बी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस, ठीक है ये टेंशन है, ए आ गया है ना। अब जरा देखो ए और बी के बीच में हम लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। आप बोल रहे हो कि सर ए और बी के बीच में केवल दो ही फोर्स चेक कर रहे हैं, कौन कौन से दो फोर्स चेक कर रहे हैं तो बताएगा, हाँ भाई साहब ए और बी के बीच में बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ भाई कोई बोलेगा, एम आई ऑडिबल टू एनीवन? कनेक्टेड है भी कि नहीं है पहले तो मैं ये बता दो, आर बी कनेक्टेड और नॉट? सर ऑडिबल है, ऑडिबल है तो रिप्लाई कौन करेगा बेटा, रिप्लाई नहीं करता आप लोग। मैंने कहा सर यहाँ पे केवल दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन लग रहा है और एमजी लग रहा है, और आपको पता है एमजी आपका कैसा है कंजर्वेटिव फोर्स है और टेंशन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है,
और मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है कि इफ द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, इफ द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, तो आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट विल बी कंजर्व. मैं कहता हूँ सर यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टेंशन होते हुए भी कंजर्व रहेगी, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ पे टेंशन हर पॉइंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो आप बोलोगे हर टाइम पे ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है या हर टाइम पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है. और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो उसका वर्क डन कितना आएगा, जीरो. तो बोलोगे टेंशन यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा है. If the tension is not doing any work, it means the only force that is doing work is mg, which is conservative in nature. So non-conservative forces का वर्क डन है जीरो. तो आप बोलोगे सर इन दोनों पॉइंट के बीच में आप क्या बोलेंगे कि सर वो कैसा रहेगा, वर्क कैसा रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है. तो आपने बोला इन दो पॉइंट के बीच क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं. मैंने कहा सर देखिए ए और इस पॉइंट के बीच में कितना हाइट रेज हो गया, ये हाइट है एच. ए और पी के बीच में जो हाइट कितना हाइट ऊपर बढ़ा है उतनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है. ये सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया होगा, ठीक है. तो आप बोलोगे ए और पी के बीच में आपने क्या लगाया, पॉइंट ए और पी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे. तो आपको पता है ये जो एच आता है, एच की वैल्यू हमने लास्ट क्लास में निकाली होगी सर, ये आर है, यहाँ से यहाँ r cos थीटा होगा, ये टोटल r है, तो ये हाइट कितनी बचती है, r में से r cos थीटा माइनस कर देते हो. तो आप बोलोगे सर जो हाइट है वो आएगा r into 1 minus cos थीटा. ये हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन में निकाला हुआ है, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं. तो आप बोलोगे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना, देखो यहाँ पे आपने बोला काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एन वी नॉट स्क्वायर प्लस, मैंने लोअर मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली, जीरो मान ली. इस पॉइंट पे जब आप पहुंच रहे हो तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच, ये हो जाएगी. इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच, अगर इस पॉइंट की जीरो है. कहीं पे भी कोई दिक्कत है वही रोक देना, और हाँ या ना कुछ तो बोला करो यार, एकदम ऐसे मूक दर्शकों की तरह बैठे रहते हो आप लोग, यार पढ़ने का मूड नहीं है क्या भाई, तो बेटा रिस्पॉन्ड किया करो यार, कुछ भी नहीं बोलते, हाँ सर ना सर ऐसा सर वैसा सर, कुछ तो बोला करो, मुझे लगे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग टू वॉल्स. हाँ भैया आपने बोला यहाँ पे, मैं बेसिकली क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये वाले वैल्यू निकालना है वी पी स्क्वायर. तो मैंने कहा यहाँ जरा निकालो वी पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये रहा है ना, तो यहाँ पे निकालोगे हाफ एम वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम पी एच. और एच की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, ये मैंने कहा सर दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू हो जाएगी टू एम जी. ये कैंसिल, ये कैंसिल, देखिए ये वैल्यू आ गई एम वी पी स्क्वायर. एम वी पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है एम वी नॉट स्क्वायर माइनस टू एम वी आर प्लस टू एम वी आर कॉस थीटा. मैंने कहा अगर मैं दोनों साइड देखो, क्योंकि नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे दोनों साइड आर से डिवाइड करो, क्या कर दो दोनों साइड आर से डिवाइड कर दो, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू आई वो कितनी आई, एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस टू एम जी प्लस टू एम जी कॉस थीटा. मैंने कहा इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए. तो आप बोलेंगे जो टेंशन है एनी पॉइंट पी आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस टू एम जी प्लस टू एम जी कॉस थीटा, सॉरी यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसका, हाँ सही है, और प्लस एम जी कॉस थीटा. सॉल्व करोगे ये वाला रिजल्ट याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्व करना तो आते ही है. 2mg और प्लस mg कितना हो जाएगा 3mg cos थीटा माइनस 2mg. किसी भी रैंडम पॉइंट पे टेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, mv नॉट स्क्वायर बाय r प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg. वेल रैंडम पॉइंट पे जो थीटा है वर्टिकल से वो कितना है, थीटा की वैल्यू थीटा, ठीक है.
और वी नॉट क्या है सर, वी नॉट लोअर मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड है, ये किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालने का फॉर्मूला है। मैंने कहा ये किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड होगा। अगर आपको ए पॉइंट पे निकालना है तो आप बोलोगे सर एंगल ए के लिए लिख लोगे। देखो अगर ए पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो ये जो एंगल है ये पॉइंट यहाँ जाएगा, ये थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, कॉस जीरो कितना होता है वन, तो आप बोलोगे ये आएगा थ्री एम जी माइनस टू एम जी कितना हो जाएगा एम जी, तो आंसर आएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। देखो यहाँ से हम ऑलरेडी टी ए निकाल चुके हैं, एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। तो अगर आपको ए पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो इतनी आ जाएगी, इस पे भी थीटा वैल्यू रखे। ऐसे ही हम अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हैं। मैंने कहा अगर मुझे बी पॉइंट पे टेंशन निकालना है तो बी पे आप देखिए थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, बी पे कितना हो जाएगा थीटा वैल्यू 90 डिग्री, ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तो यहां बोलेंगे पॉइंट बदल के जाओगे तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो आप बोलोगे सर cos 90 इज 0, दिस बिकम 0, सो द आंसर इज mv नॉट स्क्वायर बाय r, टेंशन एट बी इज mv नॉट स्क्वायर बाय r माइनस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर अपन आगे बढ़े। मुझे जो रिजल्ट याद रखने हैं वही वाला इम्पोर्टेंट है, उसको मैं रख लूंगा साथ में। वो रिजल्ट याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं वहीं से निकाल दूंगा। मैंने कहा टेंशन एट ए जो निकाला था वो आया था एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस एम वी प्लस एम वी, क्लियर है कितना आया था प्लस एम वी। अगर हम बी की बात करें तो टेंशन एट बी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी बी पे, तो वैल्यू रखोगे तो ये आएगा एम वी नॉट स्क्वायर by r माइनस टू एम, ठीक है। अगर मैं c की बात करूं टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाऊं तो थीटा कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट घुमा के इधर लेके जाओगे तो थीटा कितना हो जाएगा इस लाइन से 180। अगर थीटा 180 हो जाएगा तो आप बोलोगे टेंशन एट c विल बी इक्वल टू cos 180 इज माइनस वन, cos 180 इज माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एम जी और ये है माइनस का टू एम जी, कितना हो जाएगा माइनस का फाइव एम जी। तो आप लिखोगे एम वी नॉट स्क्वायर बाय r माइनस फाइव एम जी। आप देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, यहां से यहां जाने में 3 एम जी कम हो गया और यहां से यहां जाने में 3 एम जी और कम हो गया। ऐसे ही जरा देख लो आराम से, यही पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे जैसे नीचे से ऊपर वाले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं आप बोलोगे टेंशन डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स दिस टेंशन इज मैक्सिमम and this tension is minimum, right? तो आप बोलोगे सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम टेंशन मिलता है और लोअर मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन मिलता है। प्लस ए से बी यहां से यहां जाने में टेंशन में डिक्रीज कितना होगा 3 mg का, यहां से यहां जाने में टेंशन का डिक्रीमेंट कितना होगा 3 mg का, ठीक है। तो अगर आपको किसी एक पॉइंट पे ही पता है तो आप बाकी पॉइंट पे टेंशन बिना फॉर्मूले के भी आप फाइंड आउट कर सकते हो बी और सी पे। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि सर वेलोसिटी और निकालिए अलग अलग पॉइंट पे स्पीड और निकाल लेते हैं, हम मुझे इस फॉर्मूले का यूज नहीं, मैंने जो निकालना था फाइंड आउट कर लिया। आप बोलोगे मुझे अलग अलग पॉइंट पे क्या निकालना है स्पीड और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड के लिए आपने जो एनर्जी कंजर्वेशन से फॉर्मूला बनाया था वो एक बार निकाल लेता हूँ। जो फॉर्मूला आया था वो ये आया था एम वी
क्या क्या आया था यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था, फिर से लिख लेता हूँ। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस एम जी एच, और एक्स क्यू लिख लीजिए अपने आर माइनस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ये एनर्जी कंजर्वेशन से हम पहले निकाल चुके हैं। मुझे किसी भी पॉइंट पे स्पीड चाहिए, मतलब मुझे वी पी चाहिए, किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर मुझे स्पीड चाहिए तो क्या चाहिए, वी पी चाहिए। देखिए एम से एम कैंसिल कर दो, सबसे पहले तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। आप बोलोगे वी पी निकालना है तो आप देखोगे वी पी स्क्वायर बाय टू माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय टू, इधर को लेके आओगे तो ये आ जाएगा जी आर कॉस थीटा माइनस जी आर। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैंने कहा सर ये टू से कर मल्टीप्लाई कर दो तो ये टू इधर आ जाएगा, आप जरा देखिए मुझे किसी भी पॉइंट पे स्पीड पता करनी है तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला बन गया वीपी स्क्वायर का, क्या जाएगा वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी आर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस। ये किसी भी पॉइंट पे आपको स्पीड निकालने का फॉर्मूला आ गया है ना। आप बोलोगे ए पे निकालोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, भाई अगर मुझे ए पे निकालना है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वी एट ए को तो आप वी नॉट ही बोलते हो, वी नॉट के बराबर याद रखिएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा वन, कॉस जीरो इज वन, तो यूनिट टर्म कैसी हो जाएगी डायर। तो आप बोलोगे बी ए की वैल्यू बी नॉट के बराबर आ जाएगी, ये ऐसा आएगा, या फिर आप बोलोगे बी ए की वैल्यू बी नॉट के बराबर आ जाएगी, ये तो मुझे मालूम नहीं है। ए पॉइंट पे हमने ऑलरेडी उसकी स्पीड वी नॉट बोल रखी थी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। ठीक है नेक्स्ट आप निकालो बी पे, अगर आपको बी पी निकालना है तो देखिए बी पे कितना हो जाएगा एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो कितना आएगा सर बी एट बी का स्क्वायर जो आएगा ना कितना आ रहा है वी नॉट स्क्वायर माइनस। आप बोलोगे वी बी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी आर। चलिए मैंने कहा सी पे निकाल लो, सी पे आप निकालोगे वैल्यू रखो कॉस 180, कॉस 180 माइनस वाला, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस टू जी आर। ठीक है तो ये आ गया आपका, देखो अलग अलग पॉइंट है। अब यहाँ पर रिलेशन देखो, ये बस थोड़ा ध्यान रखना, ये स्क्वायर, ये वेलोसिटी के स्क्वायर का रिलेशन है, यहां से यहां में अगर आप देखोगे तो माइनस टू जी आर का रिलेशन, स्क्वायर में से वेलोसिटी के स्क्वायर में से दो जी आर माइनस हो गई, और यहां से यहां जाने में एक टू जी आर का माइनस हो गया। तो आप देखोगे ए से बी जाने में स्पीड के स्क्वायर में कितना डिफरेंस आता है माइनस टू जी आर, बी से सी जाने में आप बोलोगे स्पीड का कितना डिफरेंस आता है माइनस का टू जी आर का, क्या ये बात समझ में आया। ठीक है तो ये कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं, अगर आपको किसी भी एक पॉइंट पे स्पीड पता है या उसका स्क्वायर पता है तो आप बड़े आराम से अलग अलग पॉइंट पे निकाल सकते हो। ठीक है कोई दिक्कत है, क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं है, क्या हो गया भाई एक बार टीसी वाला लाइन बता दीजिए, टीसी ये तो आप क्या बोलोगे भाई, ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री है ना। आप ये बोलोगे ये सी वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, घूम के पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो सी पे पहुंच गया, मतलब ये जो एंगल है इस लाइन से कितना एंगल बनाएगा 180 बनाएगा। तो आप बोलोगे सर 180 तो इस फॉर्मूले में तो हमने भी बना रखा था, 180 वैल्यू रखोगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा। ठीक है जो हमने टेंशन का भी जनरल फॉर्मूला बनाया था उसमें कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 180 रख दो, यू विल गेट दिस आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई ए से बी जाने में टेंशन 3 MV का कमी आ रही है, अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखना ये, यही तो इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। और बी से जाने में फिर से 3 MV का डिफरेंस आ रहा है, ए से बी जाने पे आप बोलते हो स्पीड के स्क्वायर में 2 GR का डिफरेंस है, और फिर बी से सी जाने पर फिर से 2 GR का डिफरेंस है स्क्वायर में, स्पीड के स्क्वायर में ध्यान रखना। दैट मींस दिस स्पीड इज द मैक्सिमम,
टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन भी मैक्सिमम, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप बोल सकते हो स्पीड भी मैक्सिमम, आप बोलते हो टॉप, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन एंड जो स्पीड है दोनों ही मिनिमम होगी, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन और स्पीड दोनों ही मैक्सिमम होगी। अब आपने बोला कि सर मुझे कंडीशन निकालनी है कि सच डायट ये सर्कल पूरा कंप्लीट करे। कभी कभी आपने देखा कि ये सर्कल पूरा कंप्लीट करता ही नहीं, अगर मैं स्लोली घुमाऊँ तो यहाँ से या तो वापस आ जाता है या फिर एकदम से गिर जाता है, ठीक है। या फिर बकेट में आप बोलते हो सर्कल कंप्लीट होने का, बकेट का मतलब है कि अगर आपने स्लो घुमाया तो पानी गिर जाएगा, अगर आपने एक स्पीड से तेज घुमाया तो पानी नहीं गिरता है। तो वही कंडीशन है कि भाई पानी ना गिरे ऐसी कंडीशन बतानी है आपको, यानी आप कंप्लीट करना है ये सर्कल को, ये सर्कल कंप्लीट करे ऐसी कंडीशन निकालना है। मैंने कहा देखो सर्कल कंप्लीट कब नहीं होता, जब आपकी रोप लूज हो जाए, बीच रस्ते में कहीं रोप लूज हो जाए, रोप लूज होने का मतलब है कि टेंशन जीरो हो जाए उसको। हम कहते हैं कि सर सर्कल कंप्लीट करने की टेंशन नहीं होगी कि सर कभी भी रोप लूज ना हो, रोप अगर कभी लूज नहीं होगी आप बोलोगे सर्कल कंप्लीट होगा, तो रोप लूज ना हो मतलब उसकी टेंशन जीरो ना हो। टेंशन जीरो ना हो तो आप क्या करते हो कि यार बॉडी की टेंशन जहां पे भी मिनिमम है अगर वही वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो बाकी जगह पे तो हमेशा टेंशन जीरो से बड़ी होगी ना। जो मिनिमम टेंशन जहाँ होती है वहां पे अगर टेंशन जीरो या जीरो से बड़ी हो जाए तो बाकी जगह तो सब जगह टेंशन क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। मैं कहा टेंशन मिनिमम कहाँ है कोई तो बताएगा, मेरे का टेंशन इज मिनिमम, एनीवन? टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने कहा टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन मिनिमम जीरो से बड़ी हो जाए तो आप बोलोगे सर टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन अगर जीरो से बड़ी हो जाए या जीरो के बराबर भी हो जाए तो भी चलेगा, आप बोलोगे कंप्लीटली सर्कल, सर्कल विल बी कंप्लीट है, और आप बोलोगे लूप द लूप, इसको बोलते हैं लूप द लूप, कंडीशन को बोलते हैं लूप द लूप, मतलब ये लूप उस अपने लूप को कंप्लीट करेगा, इसे बोलते हैं दैट लूप विल लूप द लूप, ठीक है। लूपिंग इज अ वर्ब, ठीक है, इस सर्कल को कंप्लीट करने को आप बोलोगे कि पूरा लूप कंप्लीट करेगा, है ना। तो आप बोलोगे टीस ये वैल्यू जीरो होती है, ये मुझे मालूम है किसके बराबर आई है, इसके बराबर आप बोलोगे सर एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस फाइव एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही है ना टेंशन। यहां से आप सॉल्व करोगे तो देखो आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर आपको सर्कल को कंप्लीट करना है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे आपकी जो स्पीड है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव जी आर। अगर इससे कम स्पीड से आपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे बॉडी को मूव कराया है द बॉडी विल नॉट कंप्लीट द सर्कल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने हुए इससे पास में, है ना, और काफी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा भी पेपर का लेवल अच्छा होता है तो इससे क्वेश्चन दे देते हैं, वो कई बार आ चुके हैं। और जो बोर्ड पे लिखा है ना आपको सॉल्व करने, मैं कहता हूँ मैक्सिमम टाइम, आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी अगर आपको ये सब चीजें आती है, क्योंकि वो यही चीजें पूछता है, वो यही चीजें पूछेगा सॉल्व करवाएगा, मैं आपको सॉल्व करके ऑलरेडी एक तरीके से कुछ कंसेप्ट के फॉर्म में आपको याद करा देता हूँ। वो पूछेगा कि सर टेंशन सी पे बता दो, स्पीड इतनी है, या फिर आपको बोलेगा कि ए पे टेंशन इतनी है, ब्लर हो गया क्या? चलिए अभी क्लियर हो गया, एक दो बताना अगर चलिए। हाँ मैंने कहा कि सर आपने क्या बोला कि सर ये रिजल्ट डायरेक्टली, चलो एक बार कर लेता हूँ, थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है कि सर सर्कल को कंप्लीट करने के लिए तो मिनिमम कंडीशन है v नॉट शुड बी ग्रेटर देन रूट 5 जी आर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आराम से, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए, कुछ फंडे ये याद रखिएगा क्योंकि अभी हम यूज करने वाले इन फंडों को, दोनों ही फंडे हमारे इंपॉर्टेंट हो गए, आराम से देख लीजिए एक आध मिनट आप आराम से लेके और स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मुझे बताइए।
इसने बोला अब कंडीशन दो बनती है, अगर v नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव दिया है तो आप बोलोगे सर्कल विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, सर्कल कैसे होगी? इट विल बी कंप्लीटेड। आप अगर v नॉट की वैल्यू रूट फाइव दिया है तो छोटी है, बट रूट टू दी हाथ से बड़ी है। रूट टू दी हाथ से बड़ी है और रूट फाइव दी हाथ से छोटी है, ठीक है? तो ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप क्या बोलते हो, वी नॉट स्क्वायर में डिफरेंस देखो, अगर आप बोलोगे यहां पे ए पॉइंट पे ये वी नॉट है, ए पॉइंट पे वी नॉट है, आप बोलते हो यहां से बी पॉइंट तक जाने में जो वेलोसिटी के स्क्वायर में जितनी कितने का डिफरेंस आ रहा है टू दिया, ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है टू दिया का, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे कि अगर मेरे पास टू dr से वैल्यू कम है तो b को भी नहीं पहुंच पाएगी। आपने क्या बोला कि मान लो मेरी v नॉट जो है वो क्या होगी, या तो v नॉट 0 हो सकती है या 0 से लेके उसकी स्पीड का स्क्वायर अगर 2 dr के बराबर है, v नॉट की स्पीड जो लोअर मोस्ट पॉइंट पे 0 से लेके 2 dr के बराबर है स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर, अब ये v नॉट स्क्वायर में डिफरेंस है ध्यान रखना, ये v नॉट स्क्वायर, ये vb स्क्वायर, ये vc स्क्वायर, ये स्पीड के स्क्वायर में डिफरेंसेस हैं, यहां से यहां जाने में आपने बोला कम से कम मुझे स्क्वायर में कितनी स्पीड चाहिए 2dr चाहिए a से b जाने में, अगर मेरी स्पीड का स्क्वायर 2dr से भी कम है तो मैं b पे ही नहीं पहुंच पाऊंगा कभी, और अगर मेरी स्पीड का स्क्वायर 2dr से ज्यादा है तो आप बोलोगे b को क्रॉस कर दूंगा। तो पहला केस वो, इसमें दूसरा केस आप बोलोगे मैंने यही लिया है कि मेरी जो स्पीड है वो 2dr से तो ज्यादा है, रूट 2dr से तो ज्यादा है बट रूट 5dr से छोटी है, रूट फाइव जी आर नहीं है इसका मतलब ये इस पॉइंट को नहीं पहुंच पाएगी, बट रूट टू जी आर से ज्यादा है मतलब ये बी पॉइंट को क्रॉस कर लेगी, क्योंकि यहां से यहां जाने में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में कितना डिफरेंस आएगा रूट टू जी आर का, ये टू जी आर का डिफरेंस आएगा, तो भाई साहब इस पॉइंट से चलते चलते आपकी जो है ना स्पीड में स्क्वायर में लॉस होगा वो टू जी आर से ही होगा, और मेरी जो इस पॉइंट पे स्पीड है उसका स्क्वायर टू जी आर से ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, यानी बी पॉइंट क्रॉस हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे, सो बिटवीन बी एंड बिटवीन बी एंड सी टेंशन जीरो हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और स्पीड जीरो नहीं होगी, तो ये कैसा चला जाएगा टेंजेंशियल, मैंने कहा मान लो यहाँ जीरो हो गया तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसा करेगा कैसा चला जाएगा और ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बॉडी गिर जाएगी, है ना? तो आप बोलोगे सर ये टेंजेंशियल ही निकल जाएगा, अगर आपकी लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो रूट टू dr से ज्यादा है बट रूट फाइव dr से कम है मतलब पूरा लूप तो कंप्लीट नहीं हो सकता, बट इस केस में आप बोलोगे ये b को क्रॉस करने की हिम्मत रखता है तो b को क्रॉस कर जाएगा और बिटवीन b एंड c कहीं पे टेंशन जीरो हो जाएगी और ये टेंजेंशियली ऐसे निकल जाएगा, तो इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड से निकलेगा किस स्पीड से तो आगे जाके प्रोजेक्टाइल लेके गिर जाएगा, तो आप कभी ऐसे घुमाते घुमाते कभी छोड़ोगे ना ऐसे जाता है और ऐसे जाके प्रोजेक्टाइल लेके गिर जाएगा। तीसरा केस, आपकी स्पीड जीरो से बड़ी है बट आपकी जो रूट टू जी आर से छोटी है, जो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो जीरो से तो बड़ी है बट रूट टू जी आर से छोटी है, इसका मतलब क्या है? मैं कहता हूं देखिए ए से बी जाने में जो स्पीड के स्क्वायर में कितना लॉस आता है रूट टू जी आर का या टू जी आर का, अब मेरे पास उसकी स्क्वायर अगर देखा जाए बी नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा टू जी आर से छोटा ही है ना, मतलब मैं बी तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे बी तक जाने में 200 रुपए देने पड़ते हैं बट मेरे पास 200 रुपए से कम है तो मैं कभी बी तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, ये तो मतलब हुआ ना, इसका मतलब ये क्या हो गया कि बॉडी विल ऑसिलेट, इसमें क्या होगा ए और बी के बीच में
बिटवीन ए एंड बी कहीं पे भी जीरो हो जाएगी, बॉडी रुक जाया करेगी, टेंशन नॉन जीरो रहा करेगा। टेंशन नॉन जीरो है तो ये बॉडी फ्री नहीं भागेगी। तो पता क्या होगा इस केस में, आप बोलोगे ये बॉडी ऐसे जाएगी किसी पॉइंट तक रुक जाएगी और वहां से वापस आ जाएगी, एक पेंडुलम की तरह मूव करने लगेगी। क्या करने लगेगी? पेंडुलम की तरह मूव करने लगेगी। अगर आपकी स्पीड रूट टू सी आर से छोटी है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, तो ये कभी भी सर्कल को छोड़ेगा नहीं। ये कैसे करेगा? ऐसे मूव कर सकेगा। और मैक्सिमम पॉइंट कहां तक जा सकता है? जब उसकी वैल्यू एग्जैक्टली रूट टू जी आर के बराबर होगी तो मैक्सिमम बी तक जा सकता है और फिर बी से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस केस में ये बॉडी ऑसिलेट करेगी, इस केस में ये किसी पॉइंट को छोड़ के भाग जाएगी टेंडेंशियली, और अगर ये है तो आप बोलोगे सर्कल हमेशा कंप्लीट करेगी। क्या ये बात समझ में आई? ये डेटा पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। देख लो आराम से, और चीज है आराम से हर एक पॉइंट को देख लो, यही डेटा पॉइंट बस सर्कुलर मोशन में हमें याद रहेंगे, मेरा काम बन जाएगा। क्वेश्चन उठा के देख लेना प्रीवियस, आपके सारे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। अच्छा कंसेप्ट है, बहुत तगड़े कंसेप्ट है, लेकिन आराम आराम से देखे, एक घंटा सवा घंटा अपन ने लिया, बड़े प्यार से इसको समझा, तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ अब आपको हर बार रिवाइज करके ये डेटा पॉइंट जो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखे हैं बस इन्हीं को आपको याद रखना, इतना काम बन गया तो हो गया। आप जरा देखिए इसकी एप्लीकेशन, जो क्वेश्चन कभी आए हुए हैं या क्वेश्चन कभी आ सकते हैं। बिना पेन चलाए सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रख लो, ये तो था आपका टेंशन से बना हुआ कोई रोक से बना हुआ स्टोन। मैंने कहा मान लो एक सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ है और अंदर एक बॉडी से मूव कर सकती है, इस तरीके से अंदर एक बॉडी मूव कर सकती है ना। अगर एक स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करेगी तो ये गिर जाएगी। तो एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा एक रास्ता बना हुआ है और आप इसको मूव कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पे एक तो इसमें एमजी लग रहा होगा और एक इसमें नॉर्मल लग रहा होगा हर केस। जब ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी यहाँ पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा और एमजी नीचे लग रहा होगा, और जो स्पीड होगी इसकी हमेशा कहती होगी टेंजेंशियल होगी। कहने का मतलब क्या है, ये केस और पुराना वाला केस आज सेम, एग्जैक्टली सेम, सारे कंसेप्ट सेम है। द ओनली थिंग इज दैट व्हाटएवर रोल वाज प्लेड बाय टेंशन इन दैट प्रॉब्लम विल बी प्लेड बाय नॉर्मल। जहां जहां टेंशन की बात आएगी वहां वहां यहाँ नॉर्मल काम करेगा, सेम काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस सर्कल को अगर कंप्लीट करना है तो आपकी नॉर्मल कहीं पे भी जीरो नहीं, नॉर्मल जीरो का मतलब होता है कॉन्टैक्ट खत्म, तो कॉन्टैक्ट खत्म तो ये गिर जाएगा। तो आप बोलोगे सर टॉप मोस्ट पॉइंट तक भी अगर इसका नॉर्मल खत्म नहीं होगा मतलब ये सर्कल कंप्लीट करेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट का नॉर्मल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए से बी जाने में नॉर्मल में 3 mg का लॉस आएगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी नॉर्मल में 3 mg का लॉस आएगा। V0 स्क्वायर में यहाँ से यहाँ जाने में 2 gr का लॉस आएगा, यहाँ से यहाँ V0 स्क्वायर में यहाँ जाने में 2 gr का लॉस आएगा। जहां जहां टेंशन वाले फॉर्मूले लगेंगे वहां वहां नॉर्मल लगेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल द फंडा विल बी सेम एक्सेप्ट यू कैन रिप्ले द टी बाय n। इज दैट क्लियर? इसको दोबारा कराने की कोई जरूरत तो नहीं है, सेम चीजें वही बातें हैं सारा। एडिटेड आप चाहो तो इसको दोबारा से नॉर्मल टेंशन की जगह पे नॉर्मल लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज एक अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने कहा देखिए एक क्वेश्चन जो आया हुआ भी है ऐसे लास्ट ईयर आया 2019 में, और एक बार और पहले भी आ चुके हैं, मैं नोट्स में कई सालों से करा रहा हूँ, लास्ट ईयर आया भी है ऐसे ही है, कुछ मिल जाएगा। ये पास है, आपने बोला ये एक्स हाइट है और ये सर्कुलर पाथ। किसी बॉडी को आपने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, किसी बॉडी को आपने यहाँ पे छोड़ा है, ये बॉडी यहाँ से जैसे स्लाइड, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये बॉडी ऐसे स्लाइड करते चली आएगी, करते करते ये इस तरीके से घूम लेगी, है ना। तो आपको बताना है व्हाट इज द मिनिमम हाइट
एक्स मिनिमम सच दैट दिस बॉडी विल कंप्लीटली सर्कुलर पाथ. ये पूरे सर्कल को मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करके आएगी. व्हाट शुड बी दैट एक्स मिनिमम सच दैट दिस. अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर दो तो ये पूरा सर्कल बार कंप्लीट करेगा. फ्रिक्शन ले सकते हैं. तो मैंने कहा देखो यार सिंपल सी बात है कि जब वो इस पॉइंट पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे जब ये देखिए ये लोअर मोस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा यहाँ पे इसकी जो वी नॉट होगी बैक की वगैरह इक्वल टू टू डी आर वी नॉट शुड बी इक्वल टू रूट फाइव डी आर पर यही कंडीशन है ना. सर्कल कंप्लीट होने की जो कंडीशन है वो क्या है वी नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव डी आर. कोई दिक्कत ठीक है. तो दिस इज द कंडीशन यहाँ तक. अच्छा मैंने कहा सर यहाँ से यहाँ आने में इसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा. तो देखो यहाँ पे आपने बॉडी को छोड़ा था ड्रॉप किया था तो आप बोलोगे जो स्पीड आएगी वो आएगी रूट फाइव रूट रूट टू के. चाहे बॉडी को आप यहाँ से ऐसे वर्टिकली ड्रॉप करो जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो स्पीड कितनी आती है रूट टू दिया जाती है. चाहे आप किस पाथ से यहाँ तक लेके आओ आपकी जो वेलोसिटी आएगी स्पीड आएगी वो रूट टू जी एच ही आएगी. ठीक है आप चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा देना. इस पॉइंट पे आप बोलो एक काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मान लो एमजी है. इस पॉइंट पे जब आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेना और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एमजी स्क्वायर मान लेना. ठीक है दोनों इक्वेट करोगे क्योंकि ग्रेविटी के अलावा और कोई फॉर्मूला फोर्स नहीं लग रहा है. किसी को लगा सर यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है नॉर्मल हर जगह परपेंडिकुलर टू दी मोशन नॉर्मल हर जगह पे परपेंडिकुलर टू दी मोशन है. जैसे भी टेंशन की बात की आप बोलोगे नॉर्मल का मोशन जीरो आएगा तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है. तो वी नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी रूट टू जीरो और वी नॉट कितना बड़ा होना चाहिए रूट एच फाइव या फिर इसका मतलब रूट टू जी एच जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव या स्क्वायर कर दोगे तो आप सॉल्व करोगे तो एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव बाई टू आर. H है उसकी वैल्यू 5 बाई 2 आर से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए तो ही ये सर्कल कंप्लीट होगा. अदरवाइज ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा. कोई दिक्कत कोई परेशानी क्लियर है. देख लो पूछ लो भाई ये सिमिलर क्वेश्चन या एग्जैक्टली सेम डेटा वाला मुझे पता नहीं बट ये क्वेश्चन अपन कराते हैं और शायद सेम डेटा का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2019 में डेटा में भी चेंज. ठीक है तो ऐसा टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं. अगर इस चैप्टर से कुछ अच्छा क्वेश्चन देना होता है तो या तो वो कोलिजन से देता है या फिर वो टॉपिक से देता है. चैप्टर से दो क्वेश्चन ऑनलाइन एवरेज आ जाते हैं एक साथ शायद एक ही आएगा. 11th वाले क्वेश्चन से इसका क्वेश्चन में कम आए. ठीक है क्योंकि उन्होंने बोल देखिए हर किसी के पीछे एक सोच होती है. इस बार उन्होंने सोचा कि यार बच्चों का कोरोना के चक्कर में वैसे ही बहुत लॉस हुआ. उन्होंने क्या किया कि 12th क्वेश्चन आप अभी फ्रेश पढ़ के आते हो 12th बोर्ड. उन्होंने कहा पेपर इजी करने का तरीका ये होता है कि 12th से थोड़े क्वेश्चन याद रख दो बिकॉज 12th आपने फ्रेश पढ़ा होता है 11th आपने लास्ट ईयर पढ़ा होता है ना. तो इस वजह से उस पेपर को इजी करने के ये तरीके होते हैं. उन्होंने क्या किया 60-40 का या 65-35% का रेशो कर दिया कि 35% क्वेश्चन कर दिए 11th और 65% कर दिए 12th. तो 15% आप ऐसा तो नहीं कर सकते पूरा पेपर 12th से रख देते तो ये भी गलत हो जाता. तो कहीं ना कहीं वो इस टाइप से ट्रिक्स यूज करते हैं कि पेपर को इजी करना है या टफ करना है तो किस तरीके से किया जाए. अभी यही मैं 11th के पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन रख दूंगा 12th वाला क्वेश्चन आप फ्रेश पड़े होते है ना तो पेपर टफ हो जाता है. तो इस तरीके से वो ट्रिक्स अप्लाई गई है इसी वजह से 11th के पोर्शन के क्वेश्चन कम कर दिए गए. ऑनलाइन आया थे हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही रखा गया जबकि कुछ कुछ चैप्टर से दो दो या तीन तीन आते थे तो किसी से तीन जगह पे दो कर दिया है ना. ग्रेविटेशन से दो क्वेश्चन आते थे तो एक ही किया है. तो इस तरीके से किया है. हाँ भाई कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी बताइए एनीवन कोई दिक्कत तो नहीं. चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं.
होल्ड फॉर सेकंड, अगर मुझे इस साल का वर्क आउट ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से बातें हुई। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पावर। एक पावर है थोड़ा सा 5 मिनट बचा, तो क्यों ना हम पावर की डेफिनेशन खत्म करने, आई थिंक क्लियर हो गया। लेट मी पावर है रेट ऑफ वर्क डन, मतलब पावर की अगर हम बात करें तो पावर होता है सर वर्क डन अपॉन किस रेट से वर्क आप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर इज नथिंग बट इज द रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। पावर की यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है, वर्क डन होता है जूल पर सेकेंड, और 1 जूल पर सेकेंड को हम बोलते हैं 1 वॉट। ये होती है स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट पावर। अब पावर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट से जल्दी से कर लेते हैं। एक होता है एवरेज पावर और एक होता है इंस्टेंटेनियस। समझ में आ रहा होगा, ओवर द इंटरवल आप बात करते हो, एक बड़े इंटरवल के लिए बात करते हो, तो एवरेज पावर का मतलब क्या हो गया, पावर एवरेज अगर हम बात करें तो पावर एवरेज हो जाता है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाता है आपका एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है सर dW/dt। बहुत छोटे से टाइम की बात करें, आपका इंटरवल कैसा है बहुत छोटा है, तो आप बोलोगे सर पावर की अगर हम बात करें तो पावर क्या होता है dW/dt, राइट। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर एंड दिस इज एवरेज पावर, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। मैंने कहा इंस्टेंटेनियस पावर को अगर हम बात करें तो जरा देखिए, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन को लिख सकते हो f.d, f.s लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ डी और डी कंफ्यूज हो जाओगे, दो डी आ जाएंगे। एफ डॉट एस लिख लेते हैं, वर्क डन को क्या लिख सकते हो एफ डॉट एस, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, आप क्या लिख सकते हो वर्क डन को एफ डॉट एस। मैंने कहा सर इस पावर को, इंस्टेंटेनियस पावर को आप कैसे लिख सकते हो, एफ को बाहर ले लो तो हो जाएगा डी एस, और छोटे इंस्टेंस की अगर हम बात करें तो छोटे इंस्टेंस में हम बहुत छोटे इंस्टेंस की बात करें तो छोटा सा फोर्स मान सकते हैं, कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि सर फोर्स कांस्टेंट माने तो एफ डॉट डीएस बाय डीटी, और डीएस बाय डीटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डॉट डी। ओके, सो पावर की अगर हम बात करें तो पावर आप किसको बोल सकते हो सर, पावर है रेट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। पावर को आपने बोला कि दो दो रीजन बोल सकते हैं, या तो एवरेज पावर बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर बोल सकते हैं, और एवरेज पावर हो गया टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, एक बड़े इंटरवल की बात कर रहे होते हैं। और इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे थे, जब फोर्स लग रहा है उस टाइम पे क्या पावर क्रिएट हो रहा है, या किस पावर से काम किया जा रहा है, या मशीन कितना पावर क्रिएट कर रही है,
दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर. और इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करें तो हम इसको इस तरीके से ध्यान रखें, ये जो रिलेशन है केवल इंस्टेंटेनियस पावर के लिए वैलिड है. एवरेज पावर को आप एफ डॉट भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है. तो किसी इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस पावर बताना है, तो अगर आपको पता है इस टाइम पे कितना फोर्स लग रहा है और इस टाइम पे किसी बॉडी की जिस पे फोर्स लग रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, अगर आपको पता है, तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा. जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पावर आपका आ जाएगा. काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, एक सिंपल से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है. एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, देखिए कैसे आते हैं. उसने बोला कि सर एक बॉडी है जिस पे फोर्स लग रहा है जो कि x क्यूब के प्रोपोर्शनल है. एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है जो कि x क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो आप बताएंगे कि सर इस पे जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, x की पावर n कि अगर आपका जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, फिर बताओ उस पॉइंट पे उस बॉडी पे जो पावर होगा, फोर्स का जो पावर, फोर्स जो पावर क्रिएट कर रहा होगा, उस पावर का x के साथ क्या रिलेशन आएगा. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आप बोलोगे सर फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, फोर्स को आप लिख सकते हो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, आप उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो. मास इनटू एक्सेलरेशन को आप एम इनटू डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर लिख सकते हो. यस सॉरी, ए को आप लिख लो डी डी बाय डी टी लिख सकते हो. तो डी डी बाय डी टी किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल है, क्लियर है. तो आप यहाँ से निकालोगे मास तो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से आप देखिए डी वी is proportional to, sorry, my mistake. Actually relation दे रखा है x के साथ, तो acceleration को भी हम x के term में convert करेंगे. किसके term में convert करेंगे, x के term में. तो acceleration को अगर x के term में convert करेंगे तो v into dv by dx लिखते हैं. क्या लिखते हैं, v into dv by dx. तो m into dv by dx is proportional to x cube. हाँ सर, मैंने कहा mass तो constant है, हटा दो मुझे proportionality से मतलब है, तो v into dv is proportional to x cube into dx. दोनों साइड क्या चलिए इट्स नॉट इम्प्रूविंग आई गेस. चलिए आज का इतना ही काफी है, आप इसको कर लीजिए. आप यहाँ से v निकाल लीजिएगा और चलो हो गया आई गेस क्लियर. तो v प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आया यहाँ से, तो आप बोलोगे पावर जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी. आप बोलोगे पावर इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब और वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. तो आप बोलोगे पावर इज प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, x की पावर 5. एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, आप इस पर चेक कर लो आपको आ जाएगा. इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है. तो ठीक है, एक क्वेश्चन कराना करा दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे पहले ब्लर हो जाए. और आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं. आपका टेस्ट कितने का हो चुका है, कहाँ तक आ चुका है टेस्ट में? लास्ट टाइम किस टॉपिक का हुआ था, काइनेमेटिक्स कंप्लीट हुआ था. इस बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कंप्लीट आएगा, ठीक है. और आई थिंक डीपीपी भी हमने सॉल्व कर रखी है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एक दो. हाँ बोलो, नो बोल रहा हूँ, नो सर. डीपीपी मिली हुई है बेटा, चेक किया आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की? हाँ सर मिली तो है. मिली हुई है तो फिर सॉल्व कौन करेगा, क्या बात है. वाह सलवन कुमारी सिंह, नहीं मिली है बेटा, चेक करो मिली हुई है वहां पे. और नहीं मिली हो तो मुझे मैसेज कर देना एक बार. वैसे मेरे हिसाब से एक डेढ़ हफ्ते पहले ऑलरेडी आ चुकी है वहां ई टाइप पर, ठीक है. और अगर नहीं आई हो तो मेरे को एक बार पिंग कर देना, तो आई विल मेक श्योर कि एक बार सर,
सर सर वो डीपीपी में एक इंपल्स का था, आपने इंपल्स नहीं कराया। चलिए इंपल्स इज नथिंग बट एफ डॉट डीटीओ या डेल्टा डी, ये फॉर्मूला लिखो इंपल्स। ठीक है, एक बार बोल दीजिए, ब्लर आ रही है। मैं बोल दे रहा हूँ, इंपल्स को जे से रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ इनटू डीटी, या फिर डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है इंपल्स। इंपल्स तब होता है जब फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा हो, तेज फोर्स लग रहा हो, उसको इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, चलिए आज इतना काफी है। थैंक यू थैंक यू।